रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका अपना चैनल खान लोग में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यार सारी मुर्गियाँ वगैरह मैंने खोल दिया, सारे अपने परिंदे जानवर वगैरह को खोल खोल के दाना वगैरह डाल दिया, पानी भी डाल दिया, एवन हो गया। अब दूसरे घर जाता हूँ। वीडियो आज मैंने इसलिए थोड़ी लेट शुरू की है, दोपहर का टाइम हो चुका, तकरीबन 11-12 बज रहे होंगे, मुझे सही कन्फर्म टाइम नहीं पता। तो आपकी स्क्रीन पर टाइम भी आ रहा होगा, क्या हो गया तो आपको पता चल जाएगा टाइम किस टाइम मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए थोड़ी माजरत, क्योंकि हमारे घर में जो है एक इवेंट है, एक फंक्शन है, उसके लिए हमें तैयारियां करनी थी। तो मैं वहां से सामान वगैरह लेने गया था, अभी भी सामान पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने कहा मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लेता हूँ, साथ साथ काम भी करते रहेंगे और व्लॉग भी बनाते रहेंगे। तो अब मैं उस घर जाता हूँ, उस घर जाके छोटे मोटे जो काम है वो निपटा लेते हैं। तो मिलते हैं उस घर जाके आगे। और अभी भाई दूध चोना स्टार्ट ही हुआ है, सही टाइम पे हम आ गए। अभी भाई दूध चोर है, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। ये दूध चोता, इतने में अपनी दूसरी मुर्गी को देखता हूँ जिसको हमने कल अंडों पे बिठाया था, वो बैठी हुई है कि नहीं। क्योंकि ना कल वो भाग रही थी इधर उधर, अंडों पे बैठ ही नहीं रही थी, उठ रही थी। मैंने उसको इस जगह पे बिठाया था, रात को बहुत तेज हवा चली, हमें इस तरह लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश नहीं आई। फिर भी हमने उसको यहाँ से उठा के नीचे इधर बिठा दिया था, तो वो अंडों पे बैठी हुई है, देख सकते हैं आप। ये अच्छी तरह अपने अंडों को इनक्यूबेट करेगी, सारे बच्चे निकलेंगे, उम्मीद तो है सारे ही निकलेंगे। तो इसको दाना नहीं सुबह का किसी ने डाला, मैं इसको दाना डालता हूँ, सबसे पहले पानी डालता हूँ, उसके बाद फिर हम जाके अपने दूसरे काम करते हैं। घर वालों को जो सामान चाहिए वो ला के देते हैं, जो काम है घर का छोटा मोटा वो काम करते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखनी है। थोड़ी सी वीडियो बेशक लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखनी है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दे। चल भाई दूध चोता रह तू। दूध चोने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये भाई दूध चोले, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तब तक मैं यहाँ से थोड़ी मुर्गियों को दाना वगैरह डाल देता हूँ। के लिए मैं पट्टे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना हमारे हमसाए ही हैं, उन्होंने अपने घर एक भेड़ रखी हुई है, तो वो थोड़ा आज लेट हो गए थे किसी वजह से, पट्टे उन्हें जिस वजह से कि नहीं मिले, बाजार से ख़त्म हो चुके थे, तो हमारे घर थे। मैंने कहा मैं आपको अपने घर से दे देता हूँ, तो मैं उन्हें जाके पट्टे दे के आता हूँ और फिर आपसे आके मिलता हूँ। चारा वगैरह दे आए उनको, वो खुद डालेंगे जिनकी भेड़ है। तो दूसरी तरफ मैं मुर्गी को अब अपनी दाना डालता हूँ, इसे उठाते हैं। आह आह आह, क्योंकि ये भूखी होगी तो इसका ख्याल करना थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इसने अब सारा दिन अंडों को ही इंक्यूबेट करना है, उठना है नहीं, अंडों पे बैठना है, तो फिर हमने इसको देखना है, हम ही इसे दाना डालेंगे, क्योंकि ये अंडों को छोड़ के बाहर आती ही नहीं है, जो कुड़क मुर्गी होती हैं अंडों पे बैठी होती हैं। ये भाई जिन जिन की भाई मुर्गियाँ कुड़क हुई हैं, उन सब के लिए स्पेशल ये बात है कि अगर कोई मुर्गी कुड़क हुए तो आपने उसको दाना खुद उसके आगे डालना है, ना कि बाहर जहाँ वो पहले खाती थी वहाँ आके खाएगी, ये नहीं आपने समझना, क्योंकि वो पहले कुड़क नहीं थी, इसलिए वो दूसरी मुर्गियों के साथ घूम फिर के खा लेती थी बाहर से भी। अब आपने उसकी फुल केयर करनी है जितनी हो सकता है, तब वो आपके अंडों को इंक्यूबेट करेगी, वरना भूख के टाइम वो उठ के भाग जाएगी अंडों से। समझ आ गई ये बात, नहीं आई तो आपने कमेंट्स करना है, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप सब लोगों के लिए। आप मुझे कमेंट्स करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो इधर ये मुर्गी जो है अंडा देने आई, मैंने आपको बताया था कि ये अंडा जहाँ देती है ना, वो आपको जगह नज़र आ रही है, ये अभी जूम करके दिखाता हूँ, ये इस जगह पे अंडा देती है जहाँ जगह खाली हमने की हुई है इसके लिए। तो ये यहाँ पर छुप के अंडा देती है, ये भी बिल्कुल बेस्ट है, ना कोई कौवा यहाँ से उठाता है और ना कोई
और आके बच्चा उठाता तो बस के अंदर आ गए, इन्हें बाहर निकालते। और घर वालों ने थोड़ा सामान मंगाया, हेयर क्रीम मंगवाया, तो उनको वो क्रीम ला के देते हैं। चलते हैं शॉप पे। घर से बाहर आ चुका हूँ, दुकान पे जा रहा हूँ, शॉप पे जाके कलर वगैरह ले लूँ, फिर घर आके आपसे मिलता हूँ मैं। कलर तो नहीं मिला, मैं कल लेने के लिए गया था, वापस आ चुका हूँ कलर, क्योंकि उनके पास था ही नहीं ओलिविया का। तो अब मैं शायद बाहर मार्केट जाऊँ, मार्केट से लेके आऊँगा। तो चलते हैं मार्केट। आया तो कलर इन्होंने कहा अभी रहने तो बाज़ार मार्केट, आप बाहर जाना, बाद में चले जाना, सबसे पहले पंखे आप साफ़ कर दो। तो मैंने कहा चले ठीक है, कर देते हैं। पंखे का हाल देख सकते हैं आप, कितना गंदा लग रहा है, दरमियान में भी इतनी मट्टी इस पर जमी हुई है, और साइडों के पर आपको काले काले नज़र आ रहे होंगे कौन से, ये इधर से देख सकते हैं आप, ये जो घूम रहा है यहाँ यहाँ से देखें, काले काले नज़र आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही मिट्टी है इसके ऊपर, इसको साफ़ करके फिर आपको इसको मैं रोक के दोबारा से दिखाऊंगा कि कितना क्लीन हो गया, नीट हो गया। तो मिलते हैं पंखे को साफ़ करने के बाद, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं पंखे साफ़ करने के बाद। किचन हमारा जो रेडी हो चुका है, सारा सामान सामून मैंने घर वालों को ला के दे चुका है, दे दिया। तो असर के बाद रात का हमारा फंक्शन है, तो अब मैं तैयारी करता हूँ, खुद भी तैयार होता हूँ जाके फंक्शन के लिए। सारे घर वाले तैयार हो चुके हैं, तो सिर्फ मैं ही रह गया हूँ तैयार होने वाला। तो मैं तैयार होता हूँ फंक्शन में जाके, फिर आपसे मिलता हूँ। और आपने मुझे कमेंट्स करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे फंक्शन का सेटअप आपको कैसा लगा। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फंक्शन में जाके। तो देखो बग बग जंप नहीं लगानी, मेरी बॉलिंग स्टाइल। मैं आज का बहुत अच्छा फंक्शन हमारा गुजरा, उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। अगला दिन है, नेक्स्ट डे है, क्योंकि रात हो गई थी तो मैं कपड़े वगैरह चेंज करके सो गया था। रात के टाइम मेरा दिल ही नहीं करा है वीडियो बनाने का, तो अगले दिन अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ही मैं वीडियो को अपनी एंड करूँगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।